हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं अपनी नई फोन की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। मैंने अपना एक न्यू फोन लिया है, रियलमी 8 5G। एक्चुअली मेरा पुराना फोन चोरी हो गया था, तो दैट्स व्हाई मुझे नया फोन लेना पड़ा। मैं इतने दिन तक कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसके बाद मेरी जितनी भी वीडियो आएगी इसी फोन से आएगी। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, येलो कलर की इसकी पैकेजिंग है। वाओ, इसमें एक केस दिया गया है जो ग्रे कलर का है, अच्छी है। ये रहा फोन, ये दो कलर में आता है, मैंने ब्लू कलर ऑर्डर किया था। ये ट्रिपल कैमरा है इसका और फोन कुछ इस तरह से है। 6.5 इंच का साइज है इसकी और देख लेते हैं इसके साथ क्या दिया गया है। ये एरियल में चार्जर दिया गया है, 18 वॉट का चार्जर है। टाइप सी का केबल दिया गया है इसमें, तो इसके साथ तो इतना ही। मैंने इसे लगा दिया है क्योंकि विदाउट इसके यूज नहीं करे, एक तो नया फोन है डर लगता है। तो अब सब कुछ को इस साइट में रखते हुए मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में थोड़ा बताती हूँ। तो ये है इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G फोन जो अप्रैल में 2021 में लॉन्च हुआ है और आज का डेट है 28 मई 2021। ये मुझे कल ही डिलीवर हुआ था फ्लिपकार्ट से, पर मुझे इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनानी थी तो मैंने आज शूट किया है। इसकी साइज आप लेंथ देख रहे हैं, ये 6.5 इंच की फोन है। एक ग्रे कलर का बैक कवर दिया गया है और ट्रिपल कैमरा है इसमें। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है और बाकी दोनों 2 2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल की है और इसकी बैटरी पावर 18 वॉट चार्जिंग है, 500 mAh बैटरी है। तो ये मैंने 8 RAM वाले फोन लिया है, आपको 4 RAM वाले भी फोन मिल जाएंगे, वो उसका प्राइस है 4999। मैंने 8 RAM का फोन लिया है तो इसका प्राइस मुझे लगा 16999 और 128 ROM है इसमें। हेडफोन के लिए है, स्पीकर है, चार्जर के लिए दिया गया है। तो मैं बोलूंगी कि आप कभी भी फोन लें न्यू हो तो उसे कवर के साथ ही यूज करें। सुपर सोनिक ब्लू कलर है, ये दो कलर में लॉन्च हुआ है, सुपर सोनिक ब्लैक और सुपर सोनिक ब्लू। मैंने ब्लू कलर चूज किया है और ज्यादा हेवी भी नहीं है, ये बहुत ही कम है। बैटरी बता दी, डायमेंसिटी बता दे रही हूँ, 700 5G प्रोसेसर है और फुल HD स्क्रीन है। इसकी साइड में आप देख लीजिए, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, इस साइड में भी सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन का है दिया गया है, नीचे की तरफ है इसमें और साइड में इसमें ऑन ऑफ का सेंसर दिया गया है। ये एकदम टच स्क्रीन है, मतलब क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस टच से काम चलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, मतलब फिंगर लगाएंगे ये ओपन हो जाएगा। मैं ये पिन दिखाना भूल गई, ये पिन इतने बड़े बॉक्स में मिला है मुझे, तो मैं बता दूं। वैसे तो ये ड्यूल सिम कैमरा है, ड्यूल सिम कैमरा है, तभी मैं आपको दिखाती हूँ। ड्यूल सिम कैमरा है, 128 RAM है और एक्स्ट्रा भी आप इसमें रैम लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और एक इसकी सबसे अच्छी बात है, आप दोनों सिम में 5G का कनेक्शन लगवा सकते हैं, दोनों सिम में 5G का वाईफाई की क्या बोलूं सुविधा आपको मिल सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रिप के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल मुझे ये फोन बहुत ही अच्छा लगा। तो बस थैंक यू माय फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अलग अलग प्रोडक्ट की रिव्यू और उसके वेस्टिज के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट की रिव्यू मुझे देनी है, बनानी है। इतने दिन से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इस 5G फोन की।
थोड़ा महंगा है पर मुझे लेना पड़ा क्योंकि मुझे वीडियो में भी जरूर लगेगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा पैसा लगा के महंगा फोन लिया है। थैंक यू, बाय बाय।